भर्ती घोटाले मामले पर इनेलो ने दिया नारा, पर्ची खर्ची बंद करो, करोड़ों की अटैची का करो प्रबंध। 16 तारीख को एचपीएससी भर्ती घोटाले मामले में इनेलो करेगी 16 तारीख को पंचकुला में एचपीएससी कार्यालय का घेराव। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक के पास पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कार्यालय में जिला स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें इनेलो के राष्ट्र उपाध्यक्ष प्रकाश भारती पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा है आने वाली 16 तारीख को पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज की प्रदेश की सरकार कहती है कि खर्चे पर ही बंद कर दी है, लेकिन हमने अब प्रदेश में यह नारा लगाया है कि पर्ची खर्ची कोई बंद, करोड़ों की अटैची का करो प्रबंध। आज की मौजूदा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर मामले में यह सरकार विफल हो चुकी है, इसीलिए सरकार को घेरने के लिए यह 16 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें विशेष रूप से करण चौटाला और अर्जुन चौटाला मौजूद होंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, पार्टी नेता गोपाल भाटी के साथ अन्य सभी पदाधिकारी व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आज जिला यमुनानगर की बैठक रखी गई थी। बैठक का मुख्य एजेंडा है आने वाली 16 दिसंबर को, समय रहेगा 11 बजे का, पंचकुला का सेक्टर 5 का मैदान होगा और वहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे पूरे प्रदेश की ओर से। 16 दिसंबर को एचपीएससी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, क्योंकि जो आज की प्रदेश की सरकार है वो ये कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी है। अब हमने नारा प्रदेश में ये लगाया है कि सरकार ने खर्ची पर्ची करी बंद और करोड़ों की अटैची का कहता करो प्रबंध। अब करोड़ों की अटैची मांग रहे हैं और वो एचपीएससी कार्यालय के ऑफिस से करोड़ों की अटैची बरामद हो रही है। और आज जिस तरीके से सरकार है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। आज देश का बहुत बुरा हाल है, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेके, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, चाहे वो लैंड ऑर्डर की बात को लेके, सरकार बुरी तरह फेल है। इसलिए सरकार को नंगा करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए 16 तारीख को हमने प्रदर्शन का प्रोग्राम पंचकुला में रखा है, और जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर रहेंगे करण जी और अर्जुन जी। हमारी युवा की जो टीम है वो इसको लीड कर रही है, तो इस प्रोग्राम को विशेष तौर से कामयाब करने के लिए आज की बैठक बुलाई है। पार्टी की जानकारी तो नहीं, लेकिन खासकर इंडियन नेशनल लोकदल की बात हम कह सकते हैं। हमारी पार्टी तो किसानों की बड़ी पार्टी मानी जाती है। हमारी पार्टी के नेता चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी ने किसानों के समर्थन में रिजाइन करने का काम किया। केवल और केवल इंडिया में एक ऐसा विधायक है, पूरे इंडिया की मैं बात कह रहा हूं, जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में रिजाइन किया और दोबारा जब वो मैदान में गए जीत कर आए, और आज किसान आंदोलन फतेह हुआ है, किसानों की जीत हुई है, और इसमें जो तानाशाही सरकार है वो हारी। जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा है, वो जो ये बात कहते कि पर्ची खर्ची नहीं चलती, अब उन्होंने पर्ची खर्ची बंद करके नोटों वाली टैची शुरू कर दी ना, वो ठीक कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची से काम नहीं चलता हमारा, हमें तो नोटों वाली टैची चाहिए बड़े बड़ी, वो तो ठीक कह रहे हैं। बारे में क्या कहना? अभी किसानों के जो खाद वाला मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान का जो एसकेएम है उन्होंने बैठक वहां पे की है कि अब अपने प्रदेशों में जा रहे हैं, जो प्रदेश की लोकल समस्या उनको लेकर के वो भी एजिटेशन करेंगे, और हमारी पार्टी भी, चाहे वो अपना संघ किसान बना लें, चाहे वो अपना कोई भी बना लें, चाहे आरएसएस जोर लगा ले। अब मोदी जी जैसे बाय इलेक्शन में हारे हैं, अब यूपी का होगा, 5 राज्यों का चुनाव, वहां भी हारेंगे, देश में हारेंगे, अब बीजेपी हारेगी। अभी चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी सेशन में जाएंगे, वो पूरा सरकार की जितना भी सरकार, इसमें पूरी सरकार शामिल है, केवल मंत्री नहीं, इसमें मुख्यमंत्री तक शामिल है, इसमें सारी सरकार शामिल है, सरकार के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। ये सरकार जो ईमानदारी का लिबास ओढ़ रही थी वो नंगे हो चुके हैं, इनको नंगा करने के लिए सेशन में भी हम लोग अभी इनको नंगा करेंगे और पब्लिक में बाहर फील्ड में भी करेंगे।